हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रैपिड रिव्यू सीरीज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड से। आज का जो टॉपिक है दैट इज टू डिस्कस इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच आर टिपिकली प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल होगा उसके अंदर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अब इस तरह के बैक्टीरिया जाहिर है, नाम से जाहिर है, इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन्स इनसाइड द सेल बैक्टीरिया, ओके, होस्ट सेल के अंदर होंगी ये। अब इसमें एक कैटेगरी वो है विच इज कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, विच मींस ये इंट्रासेलुलर ही होंगे। अगर ये सेल से बाहर होंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सो दे डेफिनेटली स्टे इनसाइड द सेल। और दूसरी कैटेगरी है विच इज कॉल्ड फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर। अच्छा, जब कभी ये वर्ड मेडिसिन में आ जाता है ना, फैकल्टेटिव माइक्रोबायोलॉजी में, तो फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि इनको ये लग्जरी हासिल है कि ये वैसे भी रह सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं। सो अब ये किसी भी पे अप्लाई होता है। जैसे अभी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ये होता है कि वो वैसे तो एनारोब होते हैं लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर वो होते हैं जो होते तो इंट्रासेलुलर हैं बट सेल के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होगा इट विल नेवर सर्वाइव आउटसाइड द सेल, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर क्या है। निमोनिक इज सच अ कैची निमोनिक, स्टे इनसाइड द सेल, ये तो इसका मतलब हो गया। When it is really chilly and cold, so when it is really chilly and cold, stay inside the house. घर में रहिए जब बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है। When it is really chilly and cold, really, rickettsia, chilly, ch, chlamydia, cold, co, coxyra, okay. So that's a very nice mnemonic. Stay inside when it is really chilly and cold, rickettsia, chlamydia, coxyra, okay. They definitely rely on the host ATP, जो host सेल है उसके अंदर रहते हैं, उसी का बनाया हुआ एटीपी यूज करते हैं। सेल के बाहर दे कैन नॉट सर्वाइव, ओके, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। नो, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया ये सेल के बाहर भी सर्वाइव करते हैं। सो सम nasty bugs may live facultatively, some salmonella, nasty Neisseria bugs, brucella, mycobacterium may live listeria facultatively, francisella, and isko facultatively ka li alag kiya hua inhone jisme legionella and yersinia pestis. So these are nice mnemonics to remember. Actually, bacteriology में और पूरी ही microbiology में there are so many bugs name जो आपको याद रखने हैं, और उसके लिए बेहतर है कि आप mnemonics को master करने की कोशिश करें। Once you remember the mnemonics, तो आपको ये सारे organisms की examples याद हो जाएंगी। और connect करने की, trail बनाने की कोशिश करें। देखें, चीज़ को memorize करने का तरीका ये होता है कि जब आपके सामने obligate intracellular का word आए तो आपको ये mnemonic से connect करना है कि stay inside when it is really cold and chilly outside. जब फैकल्टेटिव का वर्ड आए तो आपको इस निमोनिक से कनेक्ट करना है कि सम नास्टी बर्ग्स मे लिव फैकल्टेटिवली। जब आप किसी जो लव्स आपके सामने पॉप आउट करता है उसे निमोनिक के साथ कनेक्ट कर लेंगे, सो वंस यू कनेक्ट विद द निमोनिक, तो फिर निमोनिक के जो फर्स्ट इनिशिएटिंग वर्ड्स हैं उनसे बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ वर्क टू डू बट दिस इज वर्थ डूइंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल द बेस्ट, एंड आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।